सावन माह शुरू होते ही शिव मंदिरों पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। शिव मंदिरों को भक्तों द्वारा सजाया जाता है और भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव को जलाभिषेक कर अपनी मुरादें पूरी होने की मन्नतें मांगते हैं। इसी के साथ कांवड़ियों का भी हुजूम निकलता है। बोलबम के नारों के साथ बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने देवघर निकल पड़ते हैं। मंदिरों में भी हर हर महादेव के जय घोष के साथ भारी संख्या में महिला पुरुष अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। प्रत्येक शिव मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, खासकर उन मंदिरों पर जहां पूरे महीने मेले का माहौल रहता है, वहां महिला पुलिस भी तैनात किए गए हैं। इसी के साथ पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर संवाददाता से विशेष बातचीत करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि शिव भक्त पूरे भक्ति भाव से आराधना करे, गोरखपुर पुलिस उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम या 100 नंबर पर फोन करें, आपके समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाएगा, SSP शलभ माथुर ने बताया। कांवड़ को लेकर जो है व्यापक रूप से तैयारी की गई, सभी थाना अध्यक्षों को विस्तार पूर्वक इसके अंदर जो निर्देश थे उससे बता दिया गया है। उसकी तैयारी की समीक्षा जो है वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई, जो सबसे पहले जहाँ शिव मंदिर है जहाँ पे जल चढ़ाने का अर्ली मॉर्निंग से ही जल चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर कई थाने हमारे ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी शिव मंदिर हैं, देहात में भी, सिटी में कैंपियरगंज है और घोराबार है, कैंट है, शाहपुर है, पिपराइच है, बड़लगंज है, तो यहाँ पर सभी जगह पर्याप्त संख्या में पोस्ट लगाई गई है। बड़लगंज में गोताखोर और फ्लड PSC की भी व्यवस्था की गई है। जो हमारा रूट है तो सबसे ज़्यादा पिपराइच के अंदर जो शिव मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाने का है लोग जाते हैं, तो ये जो पूरा रूट है इसके आसपास अतिरिक्त मोबाइल हम लोग के द्वारा चलाई गई है। महिला बल की यथासंभव अतिरिक्त तैनाती करी गई है। एक दिन पहले ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके, क्योंकि एक दिन पहले ही लोग रोड पे जो है मूवमेंट चालू कर देते हैं, तो उसको लेके तैयारियां की गई है। QRT हमेशा अलर्ट मोड में है क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है, तो एक्सीडेंट्स या अन्य चीज़ की भी देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया, सभी की लोकेशन कंट्रोल रूम द्वारा दी जा रही है और कोई भी सूचना हो तो उसके ऊपर तत्काल रिस्पॉन्स का हम लोग का जो प्रक्रिया है उसको स्थापित किया गया। भीड़ भाड़ में देखा जाए तो अक्सर दुर्गाव्यास भगवान दास धारण करके भी चोर या महिलाएँ छूट जाती हैं। इसमें महिलाओं के लिए खास तौर से जैसे मैंने बताया महिला फोर्स और खास दो चीज़ें, कोई अभद्र व्यवहार अथवा चेन स्नैचिंग या इस तरह की चीज़ ना हो, इस चीज़ को लेके काफ़ी हम लोग के द्वारा सजगता है। अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से 3 बजे तक के पीरियड में जो स्टार्ट होता है जो अभिषेक होता है, उस दौरान भी क्षेत्राधिकारी SO को निर्देश दिया गया कि वो स्वयं वहाँ पर रहें और कंट्रोल रूम द्वारा इसको चेक किया गया और उनके मूवमेंट से, उनकी प्रेजेंस से काफ़ी जो है इसके अंदर चीज़ों के अंदर विराम लगता है और प्रयास यही है कि एकदम अच्छे माहौल में और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग सावन के सोमवार जो हमारे यहाँ पर ज़िले में होने वाले हैं वो अच्छे से कराएं। इस तरह के जो शिवभक्त हैं या कंवड़िया हैं जो यात्रा में जा रहे हैं या मंदिरों में जा रहे हैं, शिवभक्त काफ़ी दूर से जाते हैं, उनको कुछ अपने तरफ कहना चाहेंगे? सभी लोग अच्छे माहौल में, अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाएं। कोई भी सूचना हो तो कंट्रोल रूम को 100 नंबर पे, वहाँ पर हम लोगों ने कई जगह बैनर्स भी लगाए हैं, रूट के भी बैनर्स लगाए हैं, वहाँ पर भी जो है मोबाइल नंबर्स, कौन सा थाना क्षेत्र है, क्षेत्राधिकारी, सभी लोगों के नंबर्स हमारे द्वारा यथासंभव प्रयास किया गया है कि वो रहें और कोई भी सूचना हो तो लोग तत्काल उसी के ऊपर सूचना दें।